हत्या और नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी अमन झा को उम्र कैद की सजा और मृतका के परिजनों को 20 लाख मुआवजे का आदेश दिया गया। शनिवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय स्थित 10 कोर्ट भवन में विशेष पॉक्सो के एडीजे साथ एमपी सिंह की अदालत में हत्याकांड और नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले की सुनवाई हुई। मामला पुलिस जिला नौगछिया के बिहपुर स्थित झंडापुर ओपी का है, जहां अभियुक्त अमन झा और उसके दो सहयोगियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद पीड़िता की कुल्हाड़ी और चाकू से हत्या कर दी। 13 गवाहों की गवाही के बाद आरोपी अमन झा को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता को 20 लाख और जिंदा बचे दो भाइयों को भी 10-10 लाख देने की बात कही। मिला जुला के इस केस में मुद्दालय को जीवन के अंतिम सांस तक, जब तक वो जीवित रहेगा वो सजा काटेगा, इसकी जो मृत्यु होगी तो डेड बॉडी ही बाहर निकलेगा। दूसरा, इस कारण क्या हुआ घटना का? घटना का कारण यही था कि विक्टिम जो लड़की थी नाबालिग, वो चापाकल पर अपने घर के बाहर स्नान कर रही थी। ये लोग मुद्दालय सब जो है उसको देख रहा था, तो वो मना किए, नहीं माना तो वो जाके अपने गार्जियन को बोली कि ऐसा ऐसा बात है। उसके पिता आके इसको मना किए, तो उसी में वो धमकी दिया कि साले सबको हम कुटिया के रख देंगे, और उसके बाद ये लोग घटना किया। नौगछिया में बाबा बीसू राउत ओवरब्रिज के पास एक मक्का व्यवसायी से अपराधियों ने 1,30,000 रुपये नकदी लूट ली और फरार हो गए। मधुपुरा जिले के सोहरा टोला के पिंटू कुमार पासवान ने बताया वह नौगछिया HDFC बैंक से 1,30,000 रुपये की निकासी कर बाइक से अपने घर जा रहे थे। बाबा बीसू राउत ओवरब्रिज के पास दो पल्सर बाइक पर चार अपराधियों ने उसे ओवरटेक कर उसका बैग छीन लिया। सभी युवक हेलमेट और मास्क पहने थे, जो घटना के बाद मधेपुरा की ओर भाग गए। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। HDFC बैंक से 1,30,000 रुपया निकासी करके जा रहे थे, बस 0 माइल ओवरब्रिज के पास दो बाइक से, पल्सर बाइक से, सदा नंबर प्लेट से पीछे से ओवरटेक करके हथियार दिखा के बस पैसा छीन लिया। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र में विक्रमशिला सेतु पर ट्रैक्टर पुल के रेलिंग पर चढ़ जाने के बाद एक मजदूर की गिरकर मौत हो गई। मृतक भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के मीराचक निवासी 25 वर्षीय पंकज कुमार है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची परबत्ता पुलिस ने मजदूर के शव को अपने कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। मृतक के भाई बासुकी ताती ने बताया, पंकज मिट्टी लाने के लिए ट्रैक्टर चालक के साथ नवगछिया हाई लेवल की ओर गया था। शाम में उन्हें सूचना मिली कि सड़क हादसे में उनका भाई मारा गया। घटना के बाद मृतक की पत्नी मनीषा देवी का रो रोकर बुरा हाल है। ऊपर से नीचे से मिट्टी लेके जा रहे थे लेबर पे, गाड़ी पे बैठ के, उसी से ड्राइवर से गिर के उड़ रह गया उधर। किस जगह? पुल पे। कौन पुल? बरारी पुल, विक्रमशिला पुल। भागलपुर के समीक्षा भवन में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की अध्यक्षता में बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों, जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रहे जल जीवन हरियाली, स्वच्छता अभियान, दहेज प्रथा, अभिभावक विहीन बच्चों के लिए सुविधा समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बुद्धिजीवियों का सुझाव भी जाना। उन्होंने बताया कि विधानसभा के विशेषाधिकार व सामाजिक नैतिक संकल्प व अभिभावक विहीन बच्चों के लिए विशेष अभियान को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से आग्रह व चर्चा हुई। के साथ हमारी बैठक थी, विधानसभा के विशेषाधिकार, प्रोटोकॉल, आश्वासन और सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान को लेकर के बुद्धिजीवियों का भी सुझाव और आग्रह, विशेष अभियान के रूप में अभिभावक विहीन बच्चों को लेकर के कई विषय पर सकारात्मक चर्चा हुई है और कई लोग एक सकारात्मक भाव में सामाजिक कार्य का अपने कार्य को बताए भी हैं, तो एक अच्छा बैठक ढंग से हुआ है। जिला स्कूल के प्रसाल में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर बाल युवा संसद सह सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा समेत भागलपुर, कहलगांव, बिहपुर, नाथनगर, पीरपैंती के विधायकों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पक्ष विपक्ष की भूमिका में जनप्रतिनिधि बने छात्र छात्राओं ने विधानसभा की कार्यवाही को समझा, साथ ही एक दूसरे से सवाल जवाब किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था बच्चे संसद की गतिविधियों को देखकर सीखें। इस संसद कार्यक्रम में बच्चे ही सरकार और विपक्ष दोनों दलों की भूमिका में नजर आए। मीडिया से बात करते हुए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि यह जागरूकता अभियान से बाल संसद हम सबों को एक सीख देती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जनता ने हमें चुनकर उचित कार्य करने के लिए कुर्सी पर बैठाया है। हम उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनका कर्तव्य हम पूर्ण रूप से निष्ठा से निभाएं। कार्यक्रम के दौरान जिला स्कूल प्रसाल में भागलपुर व आसपास के क्षेत्रों के स्कूल के दर्जनों छात्र छात्राओं के अलावे शिक्षक और सैकड़ों दर्शकों की उपस्थिति थी। जनता के विश्वास को जीत कर आते हैं, जनता के विश्वास पर खड़ा उतरे और जन समस्याओं के प्रति सजगता के साथ समाज सुधार के लिए भी सजग हो, बाल
युवा सांसद के माध्यम से और सामाजिक नैतिक संकल्प के माध्यम से हमारे सभी माननीय विधायक अपने भावी पीढ़ी को, जो हमारे बच्चे हैं, उनके बीच एक जागरूकता अभियान चलाने के लिए इसके माध्यम से हम लोग हर जिले के अंदर जा रहे हैं। वे सभी माननीय विधायक अपने विधानसभा में, अपने सभी विद्यालय के अंदर सामाजिक बौद्धिक बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाना है।